संपूर्ण विश्व में असामान्य तथा असमंजस से भरा वातावरण है। विकसनशील देशों की अर्थव्यवस्था हथियारों के बिक्री पर टिकी हुई है। विश्व में शांति और सद्भावना अहिंसक मार्ग से निर्माण हो सकती है। इसके लिए युवाओं को नशे से दूर रहकर एकता, न्याय एवं बंधुता के लिए काम करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतिपादन एकता परिषद के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय गांधी विचारक राजगोपाल पीवी ने श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया द्वारा आयोजित द्वारका लॉन में आयोजित व्यसन मुक्त पाठ कार्यक्रम 2024 में अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन करते हुए कही। कार्यक्रम का उद्घाटन कनाडा की गांधी विचारक जय जगत अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक श्रीमती जिलकार हैरिस ने किया, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सांसद कंकज मुंजारे, बालाघाट की विधायक श्रीमती अनुभा मुकारे, लहरी बाबा आश्रम कामठा के मार्गदर्शक खिलेश्वर बाबा खरकोटे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कंकर मुंजारे, विजय बाहेकर, अनुभा मुंगारे सहित अन्य वक्ताओं ने युवाओं को नशा मुक्त होकर रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिकारियों तथा अतिथियों के हस्ते सत्कार कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, जिसमें गढ़चिरौली के स्वास्थ्य संचालक सतीश गोगुलवार, स्पर्श संस्था के डॉक्टर दीपक बारसागड़े, आईएसए कल्याणी राजेंद्र जगताप, देवराई आर्ट विलेज देसाईगंज के संस्थापक सुखाचंद्र पुंगाटी, उदयपुर राजस्थान के पर्यावरणवादी सत्यप्रकाश मोहरा, एडवोकेट अनिल ठाकरे, अंतर्राष्ट्रीय धावक मुन्नालाल यादव, पत्रकार अपूर्व मेठी, प्रसिद्ध आदिवासी लेखिका उषा किरण आत्राम, मीडिया प्रतिनिधि सतीश पारधी, रामकृष्ण चौधरी, गुड्डा द्विवेदी, परसामल चांदवानी व आंभोरा की शराबबंदी महिला समिति का समावेश है। उल्लेखनीय है कि श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था का यह उपक्रम विगत 12 वर्षों से शुरू है। इस संस्था के माध्यम से अब तक हजारों विभिन्न प्रकार के नशा आदि मुआवजे युवाओं को नशा मुक्त किया गया। इस अवसर पर सप्तखंजरी वादक एडवोकेट पवन देवड़े की टीम ने नशा मुक्ति विभिन्न गीतों पर संगीत में प्रस्तुति कर कार्य उनको यूक्रेन से युद्ध से खुशी नहीं मिली है, उनको पैलेस्टाइन और इसराइल के लड़ाई से भी खुशी नहीं मिली है, उनको साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के लड़ाई से भी खुशी नहीं मिली है। उनको लगता है कि ये भंडार में भरा हुआ हथियार इन छोटे छोटे युद्ध में खपाना कठिन है, इसलिए उनकी आवश्यकता है कि हर बच्चा चाहे हमारे हाथ में बंदूक आ जाए। ऐसे एक हिंसा के समाज को खड़ा करने की तैयारी सरकार का रहेगा, उसके पीछे ड्रग्स लॉबी। मैं अभी श्रीलंका में था, श्रीलंका के जाफना गया ना, कल नया साल और बहुत खुशी नया साल आपके साथ है। गोंदिया में ये हमारे गुरु जी भी है, शंकर भाई भी है, भी आए थे, सो दिल से मैं बिठा रहा, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी है। तीसरा दिन ये आज का हम नया साल मनाएंगे, लेकिन हम नाशबंदी नाशबंदी भी है, तो ये महिला और बच्चे के लिए ये बहुत महापौर नाशबंदी हम करेंगे। हमारा ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान बहुत काम किया, जी एडिक्शन के अशांति निर्माण जहाँ हो रही है उस विश्व को शांति का पैगाम देने के लिए इन्होंने पद यात्रा निकली, पद यात्रा घूमी, इन्होंने 7 देश पार किया, लेकिन कोरोना के कारण वो यात्रा अपूर्ण हुई, लेकिन कुछ लोग जाकर जिनेवा जाकर वह यात्रा उसी दिन संपन्न हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे पास के पड़ोसी बालाघाट के कंकर मुंजारे जी, जिन्होंने कॉलेज लाइफ से ही इस संघर्ष और अन्याय के लिए काम किया, अभी भाषण दे कि हम नेताओं के कारण ही। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।